सिनेमा इस हफ्ते में यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे साहेब बीवी और गैंगस्टर फिल्म के निर्माता राहुल मित्रा, जो हमें बताएंगे कि इस फिल्म का सीक्वल वो क्यों बना रहे हैं और वो भी इतनी जल्दी। तो फिल्म अभी तक गर्म है, तो एक तो बिजनेस सेंस भी यही कहती है कि फटाफट से सीक्वल आना चाहिए। माही गिल, जिमी शेरगिल और रणबीर हुड्डा की एक्टिंग वाली फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर हिट क्या हुई कि फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु धुलिया और निर्माता राहुल मित्रा ने सीक्वल पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार क्या है खास फिल्म में, बता रहे हैं फिल्म के निर्माता राहुल मित्रा। फिल्म जब एंड होती है तो उसमें एक सीक्वल का जर्म है, मेरा नया ड्राइवर। अब जरूरी नहीं कि ड्राइवर हो, लेकिन हम फिल्म को ख़त्म कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि उसका सीक्वल बने। अब हमें इतनी अच्छी फिल्म करेगी इसका अंदाज़ा तो नहीं था, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे फिल्म को लेकर, लेकिन चूंकि ऑडियंसेस ने इतनी पसंद करी है फिल्म, और अभी शायद आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे अवार्ड्स में हमारी नॉमिनेशन है, तो फिल्म अभी तक गर्म है। तो एक तो बिजनेस सेंस भी यही कहती है कि फटाफट से सीक्वल आना चाहिए, और दूसरा मुझे लगता है कि साहेब बीवी और गैंगस्टर की लाइव्स में, उनकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, ये ऑडियंसेस को ये वो देखना चाहेंगे। इस बार हमने जो शेड्यूल है उसको एक 45 डेज का शेड्यूल रखा है। फिल्म की लेंथ तो उतने ही रहने वाली है, शायद थोड़ा सा 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो, लेकिन स्केल फिल्म का थोड़ा बढ़ गया है। प्रोडक्शन वैल्यूज देखें, कहानी जो नैरेटिव है, उन सब चीज़ों को देखते हुए, और एक सरप्राइज एलिमेंट भी मुझे लगता है कि ऑडियंस, क्योंकि अगर जिन्होंने साहेब बीवी और गैंगस्टर देखी और इतनी सराही और इतनी पसंद करी, वो देखना चाहेंगे कि किसी और कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के आने से कहानी कितनी मूव करती है। मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म या कोई एक पर्टिकुलर फिल्म नहीं चली और उस वजह से हमने नील को नहीं लिया, ये कहना गलत होगा। ये प्योरली एक क्रिएटिव डिसीजन था, और स्क्रिप्ट की जो डिमांड है, हमने पहली फिल्म में भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, अगर आप कैरेक्टराइजेशन देखें, और स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद फाइनल स्टारकास्ट जो है बनी थी। ये ऐसा हुआ कि हम अभी स्क्रिप्ट पे काम चल ही रहा था और नील से मुलाकात हुई और उसे शेयर किया, लेकिन स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद हमको ऐसा लगता है कि जो पूरा जस्टिस इस कैरेक्टर को, वो इरफान ही जस्टिस कर पाएगा। इरफान और तिग्मांशु की केमिस्ट्री हासिल और चरस के बाद आई एम श्योर ऑडियंस देखना चाहेगी, और आज तक लोग याद करते हैं उन दोनों की केमिस्ट्री को, और इसमें कुछ केमिस्ट्री और ही लेवल पे जाने वाली है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जिमी और माही तो हैं ही इसमें नेचुरली, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ती है। पहले पार्ट में रणदीप नहीं रहते, एंड में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन हम रणदीप को इस सीक्वल में वापस लेके आ रहे हैं, तो ये भी एक अट्रैक्शन रहेगी। इरफान का किरदार तो रहेगा, और वो कैसे इन सब माही और मतलब साहेब और बीवी की हवेली में कैसे पहुंचते हैं, वो तो एक स्टोरी और एक नैरेटिव रहेगा जो लोगों को बहुत पसंद आएगा कि वो कैसे वहां पहुंचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्टोरी जिस तरह से लॉक की गई है, उस हिसाब से लोगों को बहुत मजा आने वाला है, स्पेशली रणदीप वापस कैसे आएंगे, इरफान, और इरफान के साथ हम एक लड़की भी कास्ट करने वाले हैं।